हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेकर नहीं आई, आज मैं सिर्फ बात करना चाहती हूँ। मैं आज बहुत ही अपसेट हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जब मुझे इतनी दुख भरी न्यूज़ मिली तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे जब मैंने ये बात सुनी। तो यहाँ कोटला में, दारला घाट के साथ कोटला में हमारे मेरी मम्मी के मामा के बेटे हैं, वो मेरे मामा जी लगते हैं। तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा नेचर था उनका, और बहुत ही हेल्दी स्ट्रॉन्ग, और बहुत ही लाइफ को एंजॉय करने वाले आदमी थे। और पता नहीं फ्रेंड्स, उनको अचानक से क्या हुआ, अब हमें नहीं पता कि उनके फैमिली के क्या क्राइसिस रहे होंगे। और उन्होंने कल अपने जहाँ पर वो रह रहे थे इस टाइम सुमटी में, वहाँ पे उन्होंने फांसी लगा दी, और फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। तो मुझे जब ये न्यूज़ मिली तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मैं बहुत अंदर से टूट गई एकदम से, कि लाइफ को इतना एंजॉय करने वाला इंसान कभी ऐसा भी कर सकता है, कभी ऐसा भी सोच सकता है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बहुत ही परेशान हो गई थी अंदर से। तो जब मम्मी ने मुझे ये बताया कि ऐसा सब हुआ, तो पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ बिल्कुल नहीं। मेरी भाभी ने बताया, सॉरी, पहले मुझे, तो मैं वैसे ही, मैंने कहा शायद किसी ने मजाक किया होगा, क्योंकि वो तो इतने जिंदा दिल आदमी थे कि वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते थे। तो मैंने सोचा कि शायद किसी ने मजाक किया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि नहीं, ये रियली हुआ है, और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ आई है कि कसुमटी में किसी ने फांसी लगा ली, और नरेंद्र उनका नाम था, तो मुझे फिर पक्का यकीन हो गया कि नहीं, ये न्यूज़ सच्ची है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मैं बहुत दुखी हुई फ्रेंड्स। मैं तो यही कहती हूँ कि कैसी भी सिचुएशन आए, कैसा भी टाइम आए, लेकिन हमें अपनी लाइफ का एंड नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि भगवान ने हमें ज़िंदगी जीने के लिए दी है, और हमें इसे बहुत ही अच्छे से जीना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि कोई कमी हो, तंगी हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी लाइफ को ख़त्म ही कर दें। हम उससे लड़ना सीखें, हालात से लड़ना सीखें। लड़ना आना चाहिए हमें, और लड़ना चाहिए हमेशा। अगर हमने अपनी लाइफ का एंड कर लिया, तो फिर लाइफ क्या, लोग कहते हैं ना, बुज़ुर्ग कहते हैं ना, कि लाइफ जो है वो संघर्ष का नाम है, ज़िंदगी एक संघर्ष है। तो संघर्ष को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, और इस तरह से तो कभी भी अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही बुरी बात है, और वो तो मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा आदमी ऐसा कर सकता है, जो इतना जिंदा दिल आदमी था, और इतना लाइफ को इतना इंजॉय करता था हर टाइम। हमने कभी भी उनको लाइफ से मतलब अपसेट नहीं देखा, कभी दुखी नहीं देखा कि हाँ मेरे पास ये नहीं है कि वो नहीं है। हाँ, उन्होंने बहुत तंगी में अपनी लाइफ काटी है, बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं, बहुत ही गरीबी में अपने ज़िंदगी को जिया है, और इसीलिए शायद उन्होंने मेहनत करके सब कुछ अच्छा पा भी लिया था। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया ऐसा, कि वो मतलब बीच में ही अपनी लाइफ का एंड करके चले गए। तो फ्रेंड्स, मेरा तो यही कहना है सबको, और मैं खुद भी ये चीज़ मानती हूँ, कि हमें कभी इस तरफ सोचना ही नहीं चाहिए, हमें लाइफ को जीते रहना चाहिए जब जब तक भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है, क्योंकि देने का और लेने का अधिकार तो सिर्फ भगवान का है, वही देता है और वही लेता है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपनी लाइफ को इस तरह से बीच में ख़त्म कर दें। तो फ्रेंड्स, कभी भी ऐसा ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहें, और सबको पॉजिटिव ही रखें, कभी किसी को नेगेटिव ना होने दें। बस मेरा यही कहना है सबसे, कि ऐसा कभी मन में विचार ना लाएं कि हमें इस तरह से अपनी लाइफ का अंत करना है, क्योंकि भगवान ने ये लाइफ जीने के लिए दी है, अंत करने के लिए नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरा तो सबके लिए यही कहना है बस।